नमस्कार दोस्तों, करियर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल करियर। दोस्तों फर्स्ट टाइम चैनल पे है, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो के प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अभी एक बड़ी न्यूज आप लोग जान रहे हो कि कोरोना वायरस फैला हुआ है और कोरोना वायरस की वजह से सारे एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी टेंशन हो रही है कि अब करें तो क्या करें। इस पूरी वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इंडिया में हो तो अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करो, क्योंकि अदर कंट्रीज में तो जो होना था हो रहा है, चाहे वो इटली हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूएसए हो, बट इंडिया में भी कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। तो सबसे पहला जो फोकस होगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने आप को ज्यादा से ज्यादा मॉब से, भीड़ से अलग रखें, जो जरूरत की चीजें हैं उसी को लें और ज्यादा स्ट्रेस मत लें। अगर एग्जाम कैंसिल हो गया है, मान लो आपने एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन की हुई थी और एग्जाम कैंसिल हो गया, तो उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं, अपना रिविजन करते रहें घर पे बैठे और अपने आपको सेफ रखें। उसके अलावा बहुत सारे लोगों का था कि एग्जाम क्लियर हो गया है, इंटरव्यू बाकी था, यूपीएससी का कुछ था या कुछ और भी एग्जाम थे, इंटरव्यू बाकी थे, बस लास्ट राउंड समझ लीजिए बहुत सारे लोगों के था। तो एक माइंडसेट में टेंशन हो जाता कि नहीं यार, इंटरव्यू खत्म हो गया था, सेलेक्ट हो गया तो आराम से रहता। अरे जब आप जिंदा रहोगे, सही से रहोगे, तभी ना वो इंटरव्यू कंडक्ट होगा। तो ये एक बहुत बड़ी महामारी का रूप धारण कर लिया, विनाश का टाइम है समझ लो, और उसको झेलना आपको है। जैसे आप एग्जाम के लिए फाइट करते हो, इसी तरह इस वायरस के खिलाफ भी आप सबको एकजुट होकर के फाइट करना है। तो उसके लिए टेंशन मत लो, जो भी एग्जाम कैंसिल हुए हैं, आज नहीं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जब भी ये वायरस खत्म होगा पूर्णतः, वो फिर रीएक्टिवेट होगा, वहीं से शुरू होगा। बट आप सही रहोगे तभी आप उस एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो मेरा मेन एम इस वीडियो में बताने का आपका यही है कि किसी का कोई भी एग्जाम कैंसिल हो, चाहे वो बोर्ड का हो, चाहे वो कंपटीशन का हो, चाहे वो इंटरव्यू कोई कैंसिल हो गया हो, चाहे वो किसी का बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस था, डायरेक्ट वॉक इन था, वो कैंसिल हो गया, तो उसको भूल जाइए और ध्यान दीजिए अपने हेल्थ पे और कोरोना वायरस के खिलाफ जो भारत का थर्ड स्टेज में जंग चल रही है उसमें अपना योगदान दीजिए और सपोर्ट करिए सबको, गवर्नमेंट को भी और अपने अगल बगल के लोगों को भी, तभी जाकर के आप एक ह्यूमन बीइंग की तरह, ना कि कोई पॉलिटिकल मुद्दा लेके, बीइंग ए ह्यूमन एक दूसरे को सपोर्ट करिए और घर पे रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।